आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 101 रेडी टू यूज फॉर्मूला। याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक बुक को पब्लिश एक बुक के बारे में एक्सप्लेन किया था। हम उसी बुक को आपके साथ इस क्लास में रिकॉर्ड करेंगे और हर वीकेंड्स में इस तरह के क्लासेज में भी शेड्यूल रहेगा अगर टाइम मेरे पास खाली रहा तो। तो इसमें हमने 101 फॉर्मूले का ट्रिक्स इसमें बताया गया है और बुक बहुत ही अच्छी है और इस बुक का जो राइटर है वो बहुत ही अच्छा लिखता है और मैं इसको 2003 से फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये माइकल एलेक्जेंडर है जो कि इस बुक को लिखे हैं और बहुत ही अच्छी बुक है। ये है आपका 101 रेडी टू यूज एक्सेल फॉर्मूला। और हमने इसकी डाउनलोड लिंक के लिए एक वीडियो बनाया था जो यूट्यूब पे डाला था और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बुक कहाँ से डाउनलोड करना है। इसी बुक को हम रिकॉर्ड करेंगे वन बाय वन। इसी बुक में दिए गए एग्जाम्पल को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को ये बुक डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड करना है तो मुझे क्लास के बाद मैसेज कीजिएगा। मैं आपको वीडियो लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैंने जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका डाउनलोडिंग लिंक डाला था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम पे हम चलेंगे। सबसे पहला एक मैं क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि मैं रात से लैपटॉप को बंद नहीं किया। एक मिनट। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की और एग्जाम्पल है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग एक्सेल फॉर्मूला कि आखिर फॉर्मूला को कैसे क्रिएट करते हैं। हालांकि बेसिक कंसेप्ट है फिर भी ये आपका आपके लिए फायदेमंद है। इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता नहीं होंगी। सबसे बात करते हैं कि फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्मूला लिखने के लिए दो चीजें दो या तीन सैंपल है। पहला है आपका इक्वल का जो कि पॉपुलर हम यूज करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग प्लस से भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनका हाथ नंबर पैड पे होता है इसलिए प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लस से भी आप अपने फॉर्मूले को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला प्लस से बट भी। सर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू सर, कैन यू गिव मी परमिशन फॉर रिकॉर्डिंग? तो प्लस से भी आप कर सकते हैं। हालांकि माइनस से भी हो जाता है लेकिन माइनस से रिजल्ट आपका माइनस में चला जाता है इसलिए माइनस से हम यूज नहीं करते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला लगाने का कहाँ से लगाते हैं। एक तो हुआ कि आप यहाँ पे इक्वल कर दें या आप फॉर्मूला वाले में जाके इक्वल करके यहाँ भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं या आप यहाँ fx पे क्लिक करें और यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला आपको दिख रहा है। ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में आप यहां पे अपना फॉर्मूला से सम का फॉर्मूला लिया, यहां पे इसकी डेफिनेशन पता चल गई, सिंटैक्स पता चल गया, ओके कीजिए। आप अपने फॉर्मूला का जो भी अप्लाई करना अप्लाई करिए, यहां पे रिजल्ट आएगा किसमें क्या डालना है वो यहां पे आपको सारा लिखा हुआ आएगा। ओके, और ओके कर लीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो हेल्प ऑन दिस फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे तो आपको उस फॉर्मूले पे आप चले भी जाए। पहला तरीका तो हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि जैसे आप इक्वल प्रेस करते हैं यहाँ पे आपके मोस्ट यूजेस फॉर्मूला क्योंकि आप एफएक्स पे जाएंगे तो वहां से सोचना पड़ेगा आपको, ढूंढना पड़ेगा आपको, बट यहाँ पे मोस्ट यूजेस फॉर्मूले के लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते। दूसरी चीज है कि मान लीजिए मुझे इसमें ही फॉर्मूला ऐड करना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए और यहां से आप फॉर्मूला अपना ऐड कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लस लग जाएगा। दो फॉर्मूले आप इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो प्लस का सिंबल लगा के आपको दे देगा। ये थी फॉर्मूला यूज करने की तरीका। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला को एडिट कैसे करें। मान लो फॉर्मूला है इसको एडिट करना है
एडिट करने के लिए आप इस पे डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, F2 प्रेस करके एडिट कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर फॉर्मूला बार में क्लिक करके आप फॉर्मूले को एडिट कर सकते हो। अगर फॉर्मूला सिंगल है तो आप FX पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला आपके पास अगर ज्यादा है तो लास्ट वाला शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ना, पावर और सम था तो पावर को शो किया, सम को शो नहीं किया, तो ये फॉर्मूला को एडिट करने का ऑप्शन था। अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेटर्स के बारे में, कि एक्सेल के अंदर में कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि फॉर्मूले में यूज की जाती है, वो ऑपरेटर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर जो कि है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे हम बोलते हैं पावर। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे अगर हमने पावर का लगाया था तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते थे 10 पावर ऑफ 2। ये पावर का सिंबल कहां से आया, शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस कीजिए तो ये पावर का सिंबल आता है। तो आप ये इसकी और इसका यूज करके कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि Q1 है एंड Q2 है, Q1 में मान लीजिए 25 है और Q2 में 30 है, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला एक्सेल से फॉर्मूला हो सकते या नहीं हो सकते, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि आप जो है इसका लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बोर्ड मास मेथड ब्रैकेट को लेना होगा। लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ये हमारा ग्रोथ का फॉर्मूला निकल गया, तो ये मैथमेटिकल होता है। उसके बाद एक ऑपरेटर होता है, उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर में रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आता है। जैसे कि मुझे अगर पता करना हो कि क्या है 20 से बड़ा है तो हमें जस्ट इसको ग्रेटर देन 20 कर देना है, रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। आगे चल के इफ फॉर्मूले के मदद से आप इसको जो है अपने रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद एक और सिंबल आता है, वो आता है एन परसेंट का। परसेंट का जो रेफरेंस होता है वो होता है आज आपस में ज्वाइन करने के लिए दो सेल वैल्यू को। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सुजीत लिखा और यहाँ पे हमने कुमार लिखा, दोनों को एक सेल में जोड़ने के लिए हम इस एन परसेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। F9 हमने कंबाइन कर दिया G9 से और आपके सामने रिजल्ट आ गया। ये था ऑपरेटर्स। कोई डाउट आप लोगों को इसमें? नो सर। नो। इसमें एक और ऑपरेटर है परसेंटेज का। परसेंटेज का ऑपरेटर क्या करता है, परसेंटेज का ऑपरेटर परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। ये कह सकते हैं कि डिवाइड बाई 100 कर देता है। अगर मान लीजिए कि 20 बार परसेंटेज सिंबल कर दिया तो 20 को डिवाइड बाई 100 कर देगा। इसको अगर जनरल फॉर्मेट में आप रखेंगे तो आप देखेंगे 0.20। ये परसेंटेज का ऑपरेटर है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपने इसको कर लिया, आपने ऑपरेटर्स के बारे में जान लिया। चलिए।